नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। लगातार हो रही भारी बारिश के चलते देश के कई हिस्से भयंकर बाढ़ की चपेट में हैं। बिहार, असम और उत्तर प्रदेश बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हैं। ये राज्य कोरोना और बाढ़ की दोहरी मार झेल रहे हैं। खासतौर से बिहार और असम में बाढ़ ने कहर ढा रखा है। केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से लोगों की मदद के प्रयास किए जा रहे हैं। इस बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुक्रवार को बाढ़ और कोविड 19 महामारी से प्रभावित असम, बिहार और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए राहत सामग्री भेजी है। राष्ट्रपति ने झंडा दिखाकर राहत सामग्री से लदे 9 ट्रकों को राष्ट्रपति भवन से रवाना किया। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी उपस्थित थे। राहत सामग्री में तिरपाल, टेंट, साड़ी, धोती, सूती कंबल, रसोई सेट, मच्छरदानी, चादरें, बाल्टियां और वाटर प्यूरिफायर जैसे सामान शामिल थे। इसके अलावा कोविड 19 सुरक्षा आइटम जैसे सर्जिकल मास्क, पीपीई किट, दस्ताने और फेस शील्ड भी राष्ट्रपति कोविंद द्वारा रवाना की गई राहत सामग्री का हिस्सा है। राष्ट्रपति भवन के बयान के अनुसार ये राहत सामग्री दिल्ली से संबंधित राज्यों को रेलगाड़ियों के जरिए असम, बिहार और उत्तर प्रदेश के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए भेजी जाएंगी, जहां रेडक्रॉस की शाखाएं इन्हें आगे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाएंगी। आपको बता दें कि राष्ट्रपति भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष भी हैं। बता दें कि बाढ़ और भूस्खलन से अकेले असम में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।